देखने के लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में आपको सारे बेंचमार्क्स बताऊंगा और सारी इस पीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, स्पेक्स वगैरह बताऊंगा। आपने आज की वीडियो कहीं बेस्ट क्लिक करनी और उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गाइस, आज की वीडियो में पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि आपको 30,000 के अराउंड पड़ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और ये भी जो पीसी बिल्ड है आपको पाकिस्तान के अंदर ही है। अगर आप इंडिया से मुझे देख रहे हैं तो आप इंडिया के मतलब नोट कर लें और वहाँ पर प्राइस चेक कर लें, क्या पता वो भी आपको इसी प्राइस रेंज के अराउंड मिल जाए। और उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जैसा कि मैंने एक स्टेटस डाला था कि मैं किस पर वीडियो बनाऊँ, तो बहुत से लोगों ने 65% लोगों ने कहा था कि मैं एक पीसी बिल्ड बनाऊँ, और 25% ने कहा था कि मैं ग्राफिक कार्ड से बनाऊँ, और 10% ने कहा था सिर्फ कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। तो इसी तरह मैंने अपना वादा निभाया है कि मैं कभी आज वीडियो बनाना हो 30,000 के अंदर एक पीसी बिल्ड करना। दोस्तों, जो मैं पीसी बिल्ड कर जा रहा हूँ, मैं सब चीज़ें मैंने यूज़ ली हैं, यूज़ से मुराद इतनी ज़्यादा भी यूज़ नहीं हुई, मतलब बाहर से जो होती है इंपोर्ट हुई है किट कह सकते हैं उन्हें, उस कंडीशन में जो कि बहुत अच्छी कंडीशन होती है, ख़राब कंडीशन नहीं होती। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह एक पीसी अच्छी तरह बिल्ड कर सकते हैं अपनी गेमिंग के लिए। दोस्तों, गेमिंग में आपको बहुत अच्छी मतलब देने वाला है। इसके अंदर आप जस्ट कॉज 4 भी कर सकेंगे, बैटलफील्ड 4 भी खेल सकेंगे, 5 भी खेल सकेंगे, 1 भी खेल सकेंगे, GTA 5 खेल सकेंगे, पबजी खेल सकेंगे, Witcher 3, Crysis 3, Assassin's Creed Origins खेल सकेंगे, और Ghost Recon Wildlands भी खेल सकेंगे, और भी इस तरह के बहुत अच्छे गेम में आगे जाके आपको सब के FPS खुद भी बताऊंगा और आपको गेमप्ले तक भी दिखाऊंगा, आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपने आज की कहीं बेस्ट गेम नहीं करनी और उम्मीद आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं इस पीसी के बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये पीसी मेरे हिसाब से सही पीसी होगा, बजट मतलब सही है आपके लिए, बजट भी कह सकते हैं। इस पीसी के अंदर आप गारंटी के साथ लाइव स्ट्रीम भी कर सकेंगे गेम्स की, जैसे पबजी मोबाइल की और फोर्टनाइट की जो लाइव स्ट्रीम हो रही है आजकल वो। लेकिन आप उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपको मैक्सिमम आपको इसके लिए 5 Mbps या 6 Mbps का चाहिए होगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आपको पता ही होगा कि नेट का प्रॉब्लम बहुत होता है और जो मतलब गली के वाला केबल नेट होता है उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मतलब मैं अगर बात करूँ, अगर आप जोंग वगैरह के यूज़ करते हैं जो 4G वाली, तो उनकी तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो आपको डेटा पैकेज बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं, जो कि आपको 30-40 GB खाली आपको 5,000 में दे रहे होते हैं, जो कि मतलब बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से, कितना नहीं को करना चाहिए। इनका भी एक मतली सिस्टम होना चाहिए, बेशक वो 3,000-4,000 रुपये ले, लेकिन मतली सिस्टम हो ताकि इंसान अच्छा कर सके। तो हम लोग किसी और मतलब इंटरनेट के हवाले की वीडियो नहीं है, ये हम पीसी बिल के बारे में बात करें तो पीसी बिल के बारे में चलते हैं। तो ये पीसी मतलब बहुत ही अच्छा पीसी है, आप इसके अंदर लाइव स्ट्रीम भी कर सकेंगे। इसके जितनी पार्ट है सारे मैं टेक्नो सिटी कराची का रेट बता रहा हूँ, और खाली जो ग्राफिक कार्ड है आपको ओएलएक्स से रिकमेंड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पीसी के स्पेक्स के बारे में। दोस्तों, इस पीसी के जो स्पेक्स है, जो हमने से प्रोसेसर यूज़ करा है, वो कोर i3 का 2nd generation है, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा टेक्नो सिटी से। और साथ में आपको जो आपने हार्ड डिस्क करनी है वो 500 GB हार्ड डिस्क लेनी है, और अगर आपने रैम यूज़ करनी है तो वो 8 GB रैम यूज़ करनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिला के मदर बोर्ड वगैरह सब इसके साथ मिलता है, आपको बाकी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप कराची टेक्नो सिटी जाएंगे तो वहाँ जितने भी पीसी थे सारे वो सब मतलब ना बाहर से इम्पोर्टेड हो रहे हैं, तो वो खाली आपको जो आप सामान बोलोगे वगैरह कंपनी के होते हैं, मतलब कंपनीज के होते हैं, लेकिन वो सारे यूज के होते हैं। तो वो ये नहीं पूछते कि आपको कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड लेना है, तो वो मतलब अगर आप नई कस्टम बिल्ड करेंगे अपना तो बोलते हैं, नहीं तो अगर आप इस तरह का पीसी खरीदेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको खाली अपना सामान बताना होता है, वो खुद ही आपको साथ लगा लगा के देते रहेंगे। तो ये तीनों चीज़ों की मैंने बात करी, साथ में सीडी रोम वगैरह सब चीज़ें बॉडी वगैरह अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। ये सारा सामान आपको तकरीबन 14,000 तक का पड़ जाएगा, इसके अंदर ये सारा सामान आपको पड़ जाएगा। और आप बोल लोगे मैंने रैम बहुत कम यूज़ करी है 8 GB, मेरे हिसाब से 30 के बजट में 8 GB रैम बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ टाइम के लिए भी बहुत है। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग करेंगे तब आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है ग्राफिकल डिजाइनिंग के लिए, वरना फिर रैम बहुत है। और हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क तो मेरे हिसाब से कम है, लेकिन वो 30K का बजट करें तो हमें ग्राफिक कार्ड के पैसे थोड़े ज़्यादा बढ़ाने, ताकि ग्राफिक कार्ड हमारा अच्छा वाला आए और हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे, ताकि हम बाद में अगर कोर i5 भी लेने तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये हमसे बात कर ली इस पीसी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जो कि हमने CPU वगैरह था। अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, जो ग्राफिक कार्ड मेन फिटना है, जो कि मतलब मेन चीज़ है, जो कि मतलब जैसे जान है। तो ग्राफिक कार्ड की हम बात करें तो ग्राफिक कार्ड हम जिस पर यूज़ करें वो है GTX 962 GB। दोस्तों, एक ग्राफिक कार्ड आपने बहुत से लोगों ने पहली मजा सुना है, बहुत से लोगों ने सुना हुआ है, तो मैं 2 GB वाले वर्जन के बारे में बता रहा हूँ, ना 1 GB ना 4 GB। तो ग्राफिक कार्ड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है गेमिंग के लिए। अगर आप इसके अंदर 2019 में गेमिंग करें, तो मैं सबसे पहले इस ग्राफिक कार्ड के आपको बेंचमार्क बताता हूँ, मतलब स्पेक्स बताता हूँ, सॉरी स्पेक्स के हैं। DirectX 12.1 है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से लेटेस्ट है इस ग्राफिक कार्ड, मतलब इसमें शेडर इसका 5.0 है, जो कि सही है। GL मतलब जो इसका ओपन GL है वो 4.5 है, और मैक्स रेजोल्यूशन इसकी 5120x3200 है, और ये ग्राफिक कार्ड 2048 MB का है, मतलब 2 GB का है। और अगर हम बात करें इसमें मेमोरी स्पीड की, तो 1753 MHz की है, 128 bit का एक ग्राफिक कार्ड है, मतलब मेमोरी बट इसकी इतनी। GDDR5 ग्राफिक कार्ड है, जो कि पबजी के लिए मतलब पबजी का जो रिक्वायरमेंट है वो GDDR5 की है, और जो ये ग्राफिक कार्ड है 120 W से, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वोट है, लेकिन वो चली जाएगा। और 1.6 pin कनेक्टर इसके लिए चाहिए होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस बार के अंदर, क्योंकि 1.6 pin कनेक्टर आपको मतलब 500 अगर आप लेंगे 500 W की भी लेंगे एक किस्म की, मतलब 500 W की पावर सप्लाई लेंगे, तो उसके लिए भी सही है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आपको ये सब स्पेक्स के बहुत अच्छे लगे। और ये दरवाज़ा कौन कटा रहा है यार?
तो दोस्तों आपको मैंने मतलब इस ग्राफिक कार्ड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दी। मेरे हिसाब से तीन इन्फॉर्मेशन इस ग्राफिक कार्ड के बारे में सही है। तो हम इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं, कौन से गेम कितने रेजोल्यूशन में चला रहे हैं, मतलब क्या है, कितने एफ दे रहे हैं। मैं आपको जो भी गेम के नाम दे रहा हूँ सारे मतलब अल्ट्रा जो ग्राफिक्स हैं, मतलब अल्ट्रा जो एच डी होते हैं ग्राफिक्स, उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब फुल अल्ट्रा सेटिंग पे मैक्स आउट, तो उस पर आपको जो अगर हम जस्ट कॉज 4 की बात करें तो आपको 32 FPS देगा जस्ट कॉज 4 में। आप इसके अंदर बैटल फील्ड 5 इसके अंदर आपको देगा, ये तकरीबन आपको दे देगा 40 FPS दे देगा बैटल फील्ड 5 के अंदर। अगर हम बात करें GTA 5 में तो GTA 5 में आपको 46 FPS दे देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है अल्ट्रा सेटिंग पर। और विचर 3 में आपको 42 FPS देगा, क्राइसिस 3 में आपको 50 FPS देगा, और एसी ओरिजिन आपको 31 FPS देगा, और बैटल फील्ड 1 में आपको 53 FPS देगा, गोस्ट रिकॉर्ड वाइल्डलैंड आपको 23 FPS देगा, और पबजी जो सबसे अच्छा गेम है उसमें 54 FPS देगा, और असासिन क्रीड ओडेसी में मतलब सही है, शायद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल कर रहा हूँ, असासिन क्रीड ओडेसी में आपको 24 FPS देगा मतलब मैक्स सेटिंग पर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको अल्ट्रा रेजोल्यूशन पर मतलब अल्ट्रा सेटिंग पर सब चीज़ अल्ट्रा पे, और आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी अल्ट्रा में मतलब इतने आपको FPS दे रहे हैं, जो कि मतलब 60 FPS तो किसी गेम में नहीं देखने को मिले, लेकिन अगर आप अल्ट्रा में तो इतना ज़्यादा खेलेंगे नहीं, आप ज़्यादातर 1440p पर खेलेंगे, जो कि मतलब आपको हाई सेटिंग पर लेकर चल जाएगा। अगर आप हाई सेटिंग पर भी खेलें वेरी हाई पर खेलें तो आपको 60 FPS ऊपर दे ही देगा। अगर आप बात करें मैक्स आउट की, तो मैं आपको जितनी भी रेजोल्यूशन बताई है, जो मैं आपको FPS बताएं सारे मैक्स आउट के थे, मतलब अल्ट्रा रेजोल्यूशन अगर आप फुल कर लें तब इतने आपको देगा ये FPS। दोस्तों ये पता ग्राफिक कार्ड तो मतलब बहुत ही अच्छा है इसके लिहाज से 2019 में गेमिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा गेम है। इस ग्राफिक कार्ड में मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, जाकर सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल के रिलेटेड, तो मैंने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, बेंचमार्क दिखाया है ग्राफिक कार्ड के। तो हम बात करते हैं पहले सब इस पीसी के बारे में। दोस्तों इस पीसी में पबजी अब इसलिए खेल सकते हैं, मतलब पबजी के मतलब अगर अच्छे रेजोल्यूशन हमें खेलना है तो आपके लिए कोर i3 मस्त होना चाहिए, जो कि कोर i3 प्रोसेसर हमने यूज़ कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे इस ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, और इस पीसी के बारे में मेरे हिसाब से पीसी आपको मस्ट बाय करना चाहिए इस मतलब 2019 के अंदर, और इस प्राइस रेंज में आपको ऐसे अच्छा पीसी शायद ही कोई और मिले। ये अगर आप कराची में तो आपका ये मतलब खुश नसीबी है, गुड न्यूज़ आपके लिए, तो कराची में जाकर आप टेक्नो सिटी से खरीदते तो आपको बिल्कुल सही रेट में मिलेगा। अगर आप पावर वाले पाकिस्तान में तो आपको ये पीसी आपको अराउंड 35,000 तक ही पड़ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वीडियो से काफ़ी मालूम मिलेगी। तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ टॉपिक पर बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं हाजिर हूँ अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।